अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक रूम हीटर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसीलिए हमें हीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें ये दो कार्डबोर्ड के पीस चाहिए होंगे। इसका साइज़ जो लंबाई इसकी 6.5 इंच है और जो चौड़ाई इसकी है वो है 3 इंच। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच होगी और जो इसकी चौड़ाई है वो 7 इंच होगी। तो इसके हमें तो ये दो पीस चाहिए होंगे जिसके अंदर हम अपना पूरा हीटर फिक्स करें। उसके बाद हमें दो DC 12 वोल्ट के DC फैन चाहिए होंगे। ये जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, आप किसी भी कंप्यूटर वाली दुकान से इसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हमें दो राड चाहिए होंगे, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ये डायरेक्ट 220 पर चलते हैं। उसके बाद हमें एक एलुमिनियम शीट चाहिए होगी ताकि जो अंदर का एरिया है हम उसे कवर कर सकें अच्छी तरह और लकड़ी हमारी जले ना। और आखिर में हमें एक हैवी कॉपर वायर चाहिए होगी ताकि जो हीटर है वो अच्छे से वर्क कर सके। चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम ये सारे लकड़ी के पीसेस को आपस में जोड़ लेते हैं। दोस्तों, अब हम इसके अंदर सबसे पहले ये एलुमिनियम शीट लगा देंगे ताकि ये जो आखिरी वाला पीस रह गया इसके बाद लगाने वाला, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। आप कि मैंने इसके ऊपर एल्युमिनियम शीट लगा दी है। अब हम इसको इसके साथ जोड़ दें। तो अब हम इसकी बैक साइड पे ये फैन लगाएंगे दो। ये देख सकते हैं आप कि ये 12 वोल्ट के DC फैन लगाएंगे। तो चलिए इन्हें लगा लेते हैं। देख सकते हैं आप कि मैंने इन दोनों साइडों को, यानी कि जो रॉड है उन दोनों की दोनों साइडों को आपस में कनेक्ट कर दिया ताकि ये एक साथ ही चलें। और जो इसकी जो मेन वायर है ये मैं यहाँ से निकाल के और यहाँ इसके साथ लगा दूँगा और इसको इसके साथ सोल्डर कर दूँगा। और साथ में मैंने ये जो स्लीव है ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये जो एलुमिनियम पेपर के साथ ये जुड़ के मतलब के शॉर्ट सर्किट ना हो। तो चलिए मैं ऐसे लगा। दोस्तों, ये जो हीटर है ये हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ कि ये कैसा वर्क करता है।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर 53 तक चला गया है। तो दोस्तों हमारा जो हीटर हमने अब तैयार किया है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।